वेलकम बैक टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं उत्तराखंड में। लगातार जिस तरह से पटवारी पेपर लीक होने के बाद खबरें निकल के सामने आ रही हैं, आज के पेपर में क्या क्या खबरें छाई रही उनके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा है कि नकलची 10 साल नहीं दे पाएंगे परीक्षा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या उन नकलचियों का नाम सार्वजनिक होगा? आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि चाहे वो BDO BPDO हो, बंद रोगा हो, तमाम ऐसी पिछली भर्तियां जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी थी, जो कि लगातार नाम आ रहे थे कि 100 200 300 इस तरह से हैं, उनके नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर जो निकल के सामने आ रही है, कौन है HS जिसे बार बार फ़ोन करता था संजीव चतुर्वेदी? तो आप देख सकते हैं पेपर लीक मामले में जो है आरोपियों के अलावा और भी राजदार हैं जो कि अभी जिनका नाम सामने नहीं आया है। आप देख सकते हैं 6 जनवरी से 8 जनवरी की सुबह तक दर्जनों बार जो है फ़ोन किया गया है, कहीं हाकम के गुर्गों के साथ कोई लिंक तो नहीं है? इस पर लगातार STF से लेकर SIT जो है अपनी जाँच चल रही है, लेकिन खबरें कब तक बाहर आएंगी इस पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो यहाँ पर दूसरी खबर आगे निकल के सामने आ रही है कि SIT के रडार पर है पेपर खरीदने वाले, जल्द होगी यहां पर पूछताछ। आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में SIT की जांच आज से जो है रफ्तार पकड़ेगी। STF से पेपर लीक जांच वापस लेने पर भी यहां पर जो है बड़ा सवाल उठ गया है कि किस तरह से, आपने देखा होगा लगातार जो खुलासा STF के द्वारा किया गया था, बाद में STF को ही बदल दिया गया, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पेपर लीक मामले में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पेपर लीक लोक सेवा आयोग ने बैठाई अपनी इंटरनल जांच, यानी कि जिस तरह से आपने देखा होगा पेपर लीक मामले में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी इंटरनल टीम बनाई थी, उसने जांच की थी, इसी तरह से लोक सेवा आयोग ने भी जो है अपनी इंटरनल जो है एक कमेटी बनाई है, वो इस पर जांच करेगी। उसके अलावा नकल रोधी कानून जुर्माने और उम्र कैद पर यहां पर जो है अटक गया है, ठीक है। उसके अलावा लीक सवालों पर जो है SIT अपनी जांच कर रही है। उसके अलावा मास्टर और डॉक्टर के सीने में छुपे कई राज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना गोपनीय तरीके से इस काम को किया गया था कि सोचिए विभाग के अंदर ही उनका भीषण बैठा हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं, आप देख सकते हैं सभी परीक्षाओं को रद्द करे सरकार। तो विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे बेरोजगारों ने लोक सेवा आयोग के PCS मुख्य परीक्षा समेत सभी परीक्षाओं को रद्द करने के मांग की है। तो आप देख सकते हैं रविवार को प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप ऑफिस में जो है यहाँ पर मुलाकात की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि अन्य परीक्षाओं में धांधली की आशंका है, इसलिए PCS मुख्य परीक्षा 2021 वो वन आरक्षी पटवारी लेखपाल भर्ती को अन्य जितनी भी परीक्षाएं निर्धारित हुई हैं लगभग मार्च के आसपास, उन सभी को रद्द करके फिर से पेपर बनाया जाए। और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती पेपर को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है, जो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को ही के बारे में बात करेंगे। तो 22 जनवरी को जो प्रस्तावित फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा आयोग ने पूर्व से पहले जो पेपर बना था उसको जो है चेंज कर दिया है, उसका सेट जो है यहाँ पर आयोग ने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूत्रों के मुताबिक, आप देख सकते हैं आयोग ने परीक्षा के लिए जो पेपर पाइपलाइन में लगाया था उसे हटा दिया है, क्योंकि आयोग के पास प्रश्न पत्रों के कई सेट होते हैं इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेट ऑलरेडी फाइनल था उसको हटा के दूसरा सेट जो है यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या करीब जो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात की जा रही है, 2.10 लाख कैंडिडेट्स बताए जा रहे हैं, क्या 2.10 लाख पेपर छापने संभव है? क्योंकि आज आपने देखा होगा कि आज हो गई है 16 और 22 तारीख को यहाँ पर पेपर है, यानी कि विद इन 1 वीक उनको प्रिंट करना, उन पर सील लगा, उनके ट्रांसपोर्टिंग लगातार, मतलब एक तरह से आप सोचिए तो कितना बड़ा एक काम है जिसे आयोग को इस एक हफ्ते के अंदर करना है।
बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ, बात करते हैं अन्य भर्तियों के मामले में। तो आप देख सकते हैं कि 2018 से अब तक की परीक्षाओं की जांच हो, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर उठाए सवाल। वहीं पीसीएस अभ्यर्थियों से मिले विधायक सुमित हृदय। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि लगातार जो खबर आ रही है कि पीसीएस मेंस को जो है रीशफल, यानी कि उसकी अभी जो 28 तारीख को मेंस का जो पेपर है उसको कैंसिल करके उसकी डेट को एक्सटेंशन करने, और आपने देखा होगा इसको ऑलरेडी पहले जो है रद्द तमाम जो है महिला आरक्षण को लेकर 2 से लेकर 3 बार इसकी कट ऑफ भी चेंज हो गई है। अभी 30% आरक्षण मिलने के बाद इसको फिर से चेंज करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ऑलरेडी पहले से एग्जाम शेड्यूल थे और 13 तारीख को इसके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो इसको लेकर लगातार कैंडिडेट्स में अभी भी जो है सेंसेस बना हुआ है और काफी कैंडिडेट्स, और हमने कल आपको एक ब्रेकिंग न्यूज भी दी थी कि पीसीएस मेंस को रद्द कराने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हो गई है, शायद उसकी आज या कल तक आपको सुनवाई भी हो सकती है और बड़ी खबर मिल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर एक वक्त की और यहां पर निकल के सामने आ रही कि 10 करोड़ जुर्माने और उम्र कैद पर अटका नकल रोधी कानून। तो आप देख सकते हैं पिछले दिनों बैठक में कुछ विभागों ने उठाए थे भारी जुर्माने पर सवाल। जुलाई में आयोग ने भेजा था जो है यहाँ पर मामले की जांच के लिए कि भाई किस तरह से, आपने देखा होगा जिस तरह से वीडियो पीपीडीओ में पेपर लीक हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर तमाम ऐसे और भी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो यहाँ पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। बाकी इन खबरों पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।